अचबल पुलिस ने एक चोरी के मामले को सुलझाने का दावा किया है और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो अपराध के आयोग में शामिल थे और इस जुलूस से चुराया गया कैश बरामद किया गया था। अचबल पुलिस ने गुरुवार को DYSP मोहम्मद रफीक राठर की मौजूदगी में ACIF को घंटे के भीतर ACIF पकड़ा। चोर को 2,20,000 रुपए के साथ पकड़ा गया है जिसे उसने कार की साइड खिड़की से तोड़कर एक कार से चुरा लिए। पूछताछ के दौरान अधिकारियों को अपराध के कमीशन में उनकी भागीदारी के बारे में पता चला और उनके खुलासे में उनके कब्जे से हार्ड कैश बरामद किया गया है। आगे की जांच जारी है। समुदाय के सदस्यों ने मामले को सुलझाने में अपनी टीम के साथ DYSP मोहम्मद रफी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। हम समुदाय के सदस्यों को आश्वासन देते हैं कि पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। नेशनल 18 के लिए अनंतनाग से शेख नदीम की रिपोर्ट। जी आज थाने पुलिस अचबल में एक हमें दरख्वास्त मौसूल हुई जिसमें मुस्तकीज का ये कहना था कि उसने एक गाड़ी जो है अपनी वो उसने स्टोन क्वेरी के पास यहाँ अचबल के पास रखी थी, वहां पर पार्क करके रखी थी और किसी काम से चला गया था। और वापस आने पे, वापस लौटने पे उसने देखा कि वो जो विंडो पेन होता है गाड़ी का वो स्मैश हो गया था, किसी ने स्मैश कर दिया था और उसके अंदर जो उसने 2,20,000 रुपए रखे थे वो चोरी हो गया था। उसके बाद जब एप्लीकेशन थाने पुलिस अचबल में आ गई तो हमारी पुलिस टीम एकदम से हरकत में आ गई और हमने सस्पेक्ट के साथ बात की और अकॉर्डिंगली हमने जो है सस्पेक्ट के साथ जब पूछ की तो ये रिवील हुआ कि एक बंदा जो है उसने 2,20,000 रुपए चोरी किए हैं और किसी जगह पे रखे हैं। उसके साथ बात करके उसने रिवील किया और उसने कन्फेस भी कर लिया कि हाँ वाकई में उसने ये पैसे चुराए हैं और उस जगह पे रखे हैं और इंकशाफ होने पे हमने वहां से वो रिकवरी दिखाई। हमने तकरीबन जो है 1.5 घंटे में कर दिया।